गाइस, यार हमने डिसाइड कर लिया है कि हम दूसरों के जैसे स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के रिव्यूज़ नहीं करेंगे। हम अपना ही कुछ अलग ही रखते हैं ये चैनल को, है ना। वैसे डिफरेंट डिफरेंट अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मंगाएंगे, थोड़ा यूनिक रखते हैं। और वैसे हमें कोई दे भी नहीं रहा है स्मार्टफोन दर्द हाँ तो यार आज के लिए, जैसे कि आपको पता चल गया होगा टाइटल देख के कि आज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी वियर्ड वियर्ड जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ना अपने पास क्या है, अमेज़ॉन से मंगाया मैंने काफ़ी बढ़िया वियर्ड से प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन काफ़ी मज़ेदार है। तो ओपन कर लिए यार सारी चीज़ें, फिर चलो स्टार्ट की जाए वीडियो। हाँ जी, तो फिर यार सबसे पहला अपने ये गैजेट्स की लिस्ट में अपना ये डब्बा रखते हैं। भाई गैस करो उसमें क्या होगा। जब ये मेरे को डब्बा है, मैंने यार ऐसा क्या मंगा लिया इतना बड़ा डब्बे में भाई मेरे को खुद नहीं पता था, मुझे लगा सारे वीडियो के सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें एक ही के अंदर। बट आप गैस करो कि इसमें क्या होगा। अब यार बता देता हूँ मैं, यार आप जब बॉक्स खोलते हो तो बॉक्स के अंदर आप लोगों को पहले देख लो फिर बताता हूँ क्या है। अबे निकल जा। भाई ये देखो, ये है एक अमेज़ॉन का लैपटॉप स्टैंड। अब यार ये इतना बड़ा और इतना हैवी क्यों बनाया ये आप अमेज़ॉन वाले से पूछो। तो फ्रंट साइड में जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी मुस्कुराती हुई चमकान है। ये लोग बताना चाह रहे हैं ये लोग कोलगेट से ब्रश करते हैं, और इसका डिज़ाइन आप देख सकते हो कैसा वियर्ड सा ही है भाई। इतना बड़ा और इतना भारी है ना, इसको मार के ही सिर फोड़ सकते हो किसी का। तो यार कंपैरिजन के लिए मेरे पास एक और नॉर्मल लैपटॉप स्टैंड है, ये भी मेटल का है, बट इस ये देखो आप कितना स्लिम है, मतलब स्ट्रेट है, और इसे आप ऐसे करके कुछ ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे ये दूसरा वाला है भाई, अभी देखो आप डिफरेंस। हाँ तो पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि ये लैपटॉप अगर मैं इस पर रखता हूँ तो देख सकते हो आप काफ़ी आराम से रख जाता है ये, और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, इतना सा डिस्टेंस है इसका भाई। बट ये जो इन लोगों ने बना दिया है इसको देखो आप, यहाँ पे ये मैं प्लेस कर रहा हूँ आप, लेकिन ऐसे देख सकते हो कि पीछे की साइड से कितना ज़्यादा स्पेस ले रहा है। और मैं उसे ओपन करूँगा तो फिर ये नॉर्मल ठीक है, मैं नहीं देखूँगा ये बात है। इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर ऐसे अगर आपको अगर चेयर ऊपर हो जाती है तो अच्छा है, ऑपरेट करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और नीचे की साइड पूरा स्पेस खाली है, तो आप नीचे की साइड कुछ भी रख सकते हो, पुराना लैपटॉप स्टैंड रख सकते हो। अब उस बेचारे की ज़रूरत रही नहीं ना हम लोगों को, रखना पड़ेगा। और ऐसे अपना कुछ भी सामान डाल सकते हो, आराम से रख जाएगा। और यार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक होल है मतलब ये ऐसा है कि आप यहाँ से चार्जिंग केबल लगा सकते हो और यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों का डेस्क पे ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप पीछे से निकाल पाओगे। और ग्रिप काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जैसे कि आप बैक साइड में देख सकते हो तीन स्टॉपर्स हैं, और काफ़ी अच्छा ग्रिप पकड़ लेते हैं, एक साइड में होल्ड कर लेते हैं, मतलब ऐसे बिल्कुल नहीं हिल रहा है ये। और यहाँ पे फ्रंट में भी है, तो फिर आप अगर एक बार लैपटॉप रखते हो अपना, लैपटॉप रखने के बाद आपका लैपटॉप बिल्कुल हिलता नहीं है और स्टेबल है। बट भाई पॉइंट यही है कि यार इतना हैवी लैपटॉप स्टैंड कौन बनाता है, और हैवी के साथ साथ ये साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा ले रहा है अगर आप देखोगे तो। लेकिन हाँ ये चीज़ माननी पड़ेगी कि ये बहुत सॉलिड चीज़ है, अगर आपने ये ले ली तो कुछ इसमें ख़राबी नहीं होगी, क्योंकि है ही नहीं कुछ ख़राब होने को, पूरा लोहा दे दिया उठा के। ठीक है, अगर आप ऐसा हैवी लैपटॉप स्टैंड लेते हो ना, तो उसका एक बेनिफिट ये है कि ये मूव नहीं होता, एक जगह टिका रहता है। जैसे कि ये लाइट वाला है पतला वाला, तो फिर ये मूव हो रहा है काफ़ी आराम से, बट ये नहीं हिलता है एक जगह टिका रहता है, तो ये इसका शायद एक बेनिफिट है मेरे ख्याल से। और आप लोग भी ऊपर है यार, आप लोग चेक कर सकते हो। वैसे मैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक और प्राइस डिस्क्रिप्शन में अच्छे से बता देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना अगर आप लोगों को पसंद आए तो। तो ये था हमारी लिस्ट का पहला प्रोडक्ट, चलो अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। ये जो चीज़ है ना यार, ये सबसे अतरंगी चीज़ है अपनी वीडियो की, जैसे कि आप देख सकते हो इसे ओपन कर लेता हूँ मैं। तो ओपन करने के बाद क्या निकलता है, एक बैंडाना निकलता है और इसके साथ एक यूज़र मैनुअल है एक पेज की, इतने से पेज की। इन्होंने कहा हटाओ, ज़रूरत ही नहीं, कोई पढ़ता नहीं है, हम देंगे नहीं। अच्छा आप ये हेडबैंड देख सकते हो, तो जो इसमें कमाल की चीज़ है भाई, इसमें गाने बजते हैं मतलब ये हेडफोन्स हैं आपके, कैसे वो मैं बताता हूँ। जैसे कि आप साइड में देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एकदम पकड़ता हूँ तो फिर आपको यहाँ पे ये सर्कल टाइप का दिख रहा होगा, तो ये एक साइड का ईयरफोन है और दूसरी साइड में भी सेम ऐसा ही है। एंड यहाँ से थोड़ी सी स्पेस दे रखी है, तो आप लोगों को पता चल रहेगा कि यहाँ से वायर निकलता है, इसे अंदर डाल देते हैं अभी के लिए। और फ्रंट साइड में आप देखोगे तो यार यहाँ पे तीन बटन्स दे रखे हैं, और ये बटन्स गाइज अपना वही अपना प्ले पॉज और वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए है। और सेंटर वाले बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके इसे स्टार्ट करते हो, एंड इसी के ऊपर यहाँ पे एक एलईडी लाइट है
वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लू कलर में ब्लिंक होती है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये कवर के अंदर, यहाँ पे चार्जिंग के लिए भी आप लोगों को दे रखा है, तो माइक्रो यूएसबी जो उसका कॉर्ड है उससे आराम से ये चार्ज हो जाता है। एंड चार्जिंग के टाइम पे यहाँ पे आपको रेड कलर की ऐसे लाइट जलती हुई दिख जाएगी। अब ज़रा भाई इसका उद्घाटन कर देते हैं, पहन लेते हैं यार। A little later. तो गाइस पहनने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, नॉर्मल अपना हेड बैंड जैसा लग रहा है, बैंडाना अगर आप बोल सकते हो। बट अभी हम लोग यहाँ का इसका म्यूज़िक टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे सर पे बिंदी दबा के अपनी ऑन कर लेता हूँ, उसे ऑन हो गया है। पेयर करेंगे अब इसे अपने फ़ोन के साथ BT01। ओके गाइस पेयर हो चुका है, अभी कुछ सॉन्ग्स सुन के देख लेते हैं। ओ भाई मुझे लगा था यार चलेगी नहीं ऐसी चीज़, लेकिन यार मस्त चल रही है। एंड यार साउंड भी अच्छा आ रहा है और लाउड भी है, मतलब मुझे लगा नहीं था कि लाउड रहेगा इतना। और कैसा है कि यहाँ पे जो इसके हेडसेट हैं एक्चुअल वाले, तो वो आप आगे पीछे करके एडजस्ट भी कर सकते हो, मतलब अगर आप अपने हेडसेट्स के अकॉर्डिंग आराम से ऐसे आगे पीछे कर सकते हो और अपने ईयर्स के ऊपर प्लेस कर सकते हो। तो भाई देखो इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज मेरे को लग रहा है रात के टाइम पे, क्योंकि जब हम लोग एक साइड पे ऐसे सोते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये साइड में ईयरफोन्स नहीं डाल पाते, और अगर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा चुभते हैं और एक ही साइड में रखते हैं। बट यहाँ पे आप लोग ऐसे एडजस्टेड रहते हैं और आप अपनी मर्जी कैसे भी सो, आप लोगों को बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, ये चीज़ सबसे बढ़िया है, क्योंकि आप लोगों को एकदम पता ही नहीं चलेगा कुछ है। एंड यार ये चीज़ वायरलेस भी है, तो फिर आप लोगों के लिए मस्त है कि ऑपरेट करने के लिए बहुत इजी है। बट भाई देखो जैसे कि अगर मैं ऐसे पब्लिक में जा रहा हूँ तो फिर थोड़ा मेरे को ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि सिर पे ऐसे प्रेस करके बटन कंट्रोल करना। बट यार ये 3-4 पर्पस सॉल्व करते हैं। एक तो आप लोग हेडफोन्स भी पहनते, तो हेडफोन्स भी बहुत टाइम तक हम लोग नहीं पहन पाते, थोड़ा दर्द होने लग जाता है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है और ईयरफोन्स ऐसे चुभते भी नहीं है। और इसके साथ आप लोग ये कान भी कवर करेंगे तो ठंड में आप लोग ये कान भी बचाने वाले हैं। और भाई बढ़िया तरीके से गाने सुनो और सुनते सुनते सो भी जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एटलीस्ट आपके कान तो बचाएंगे। और इसको यूज़ करके आप कॉल पिकअप कर सकते हो, कट कर सकते हो, रीडायल कर सकते हो। भाई मेरे को पता नहीं चला कि इसका माइक्रोफोन कहाँ है, बट बात हो जा रही है आराम से। हमने थोड़ा टेस्ट किया लोगों को कॉल कर करके। हेलो, गलती से लगा था भाई। हाँ भाई चल। तो ऑफकोर्स यार थोड़ा वियर्ड तो है, बट भाई इनोवेशन है अपनी अपनी, सब अपना अपना कुछ ना कुछ बना रहे हैं, इन्होंने ये चीज़ बनाई है, मज़ेदार है लेकिन। मज़ा आया यूज़ करने में और मैं ऐसे अब यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये सही है रात के टाइम के लिए भी, और ऐसे भी मैं ऐसे पहन के जा सकता हूँ ठंड में थोड़ा बहुत। तो भाई ये जो क्लिप है वो मैं 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसे मैंने अच्छे से यूज़ किया, और आप जैसे जैसे इसे यूज़ करते हो तो वैसे आप कंफर्टेबल हो जाते हो इसके साथ। और कैसा है कि इसका बैटरी लाइफ 6 घंटे आराम से चल जाते हैं एक बार फुल चार्ज करने के बाद। इसके यार एक मेरे को मेन मेजर ड्रॉबैक ये लगता है यार, ये नॉन वॉशेबल है, मतलब अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हो तो फिर ऑब्वियसली स्वेट्स आएंगे, तो ये वॉश तो करना ही पड़ेगा अगर गंदा होता है तो। बट आप इसे वॉश नहीं कर सकते, अदरवाइज इसका ये जो हेडसेट वाला सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। अगर आपको वॉश करना है तो ये सिस्टम निकालना पड़ेगा, फिर इसे वापस सिलना पड़ेगा, तो ये एक मेन प्रॉब्लम है, तो आप इसे वॉश नहीं कर सकते, एक मेजर ड्रॉबैक मेरे को ये लगा इसका। और ऐसे आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, बट इसका एक मेजर ये ड्रॉबैक है। और सब प्राइसेस और लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, और अगर कम से कम प्राइस पे चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को सबसे कम प्राइस जब भी होता है कोई भी प्रोडक्ट का बता देते हैं। और आजकल ना जो भी होम एसेसरीज हैं उन पर बहुत अच्छी डील्स चल रही है, तो टेलीग्राम पे हम लोग आपको बताते जा रहे हैं, तो टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करके रख सकते हो आप। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं। भाई अगली चीज़ देखो, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन लेज़र पॉइंटर, बट अभी इसका अमेज़न पे नाम देखना है, अमेज़न पे क्या नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार जेनेरिक लेज़र डिस्को पॉइंटर पेन, तो यार जो डिस्को वाली क्या चीज़ है इसमें वही देखनी है हम लोगों को, डिस्को क्यों लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर किया। अब भाई चलो इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पर आप लोगों को यहाँ पर भी लिखा हुआ है ग्रीन लेज़र पॉइंटर, और यहाँ पर आप लोगों को पेन मिल जाता है। वाओ बैटरी दी है इन लोगों ने, अब मेरे को भागना नहीं पड़ेगा बैटरी के लिए, और लेके नहीं आनी पड़ेगी। बैटरीज हम लोग डाल देते हैं इसमें, तो बैटरीज तो डाल दी हम लोगों ने। ये बटन है इसका, ये बटन हम लोग प्रेस करते हैं। ओह ये आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, एक सेकंड दिखाता हूँ। आहा ये देखो भाई। ये दिख रहा है, और इसका जो ये फ्रंट में जो कैप है ना वो एक्चुअली में लेज़र के लिए एडजस्टेबल है, मतलब इसे आपको ऐसे टर्न टर्न करना रहता है, तो ये डिफरेंट क्या क्या पैटर्न बन रहे हैं। एक्चुअल में टेबल भी जस्टिस नहीं दे रही है, तो फिर हम लोग लाइट बंद करते हैं फिर टेस्ट करते हैं। तो गाइस मैंने बाकी सारी लाइट्स बंद कर दी हैं, बस यहाँ पे एक स्टूडियो लाइट चालू रखी है, तो यार अभी इसके पैटर्न देखते हैं। बाप रे भाई भाई, ओए होए
काफी बढ़िया लग रहे हैं यार, और ऐसे देखने में ना जैसे मैं अभी खुद नेकेड आई से देख रहा हूँ तो और मजा आ रहा है देखने में। रूफ पे तो और बहुत अच्छे लगते हैं। I was at a party last night, sipping on a drink till the vibe felt right. Then I made my way to the light, put my hands up and I danced like Michael. भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मस्त है, इसमें बहुत ज़्यादा लेजर्स है और बहुत मज़ा आया मेरे को। बट यार कौन करता है ऐसे यार। अब देखो मैं इतना मैं मानता हूँ कि मेरा न्यू ईयर अकेले मैंने मनाया, मेरे सब दोस्त लोग घूमने गए थे, बट अभी इतना अकेला भी नहीं हूँ कि मैं खुद ही इसके साथ डिस्को में नाचूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतने ही प्रोडक्ट्स थे और यही तीन मज़ेदार वियर्ड और अतरंगी गैजेट्स थे मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए। और भाई बताना कैसे लगे यार, मेरे को तीनों बहुत बढ़िया लगे और हो सकता है मैं तीनों ही यूज़ करूँ अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएंगे ये पक्का। और ऐसे मज़ेदार वियर्ड गैजेट्स और अच्छे अच्छे गैजेट्स जैसे कि होम एसेसरीज हो गई, स्मार्टफोन एसेसरीज हो गई, वैसे अगर आप लोगों को प्रोडक्ट्स दिखते रहने हैं तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप लोग मेरे को बता भी सकते हो कि और मैं कैसी वीडियोस बनाऊं, तो फिर अपना ऐसे ही मस्त चलता रहता है। तो इस वीडियो के लिए भाई इतना ही रखते हैं, और अपने को यार टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब करके रखो अच्छी डील्स के लिए, प्रोडक्ट डील्स के लिए, तो टेलीग्राम पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। भाई इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे, अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, चल बाय। Looking like a fool in the club right now. Ooh, no, 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 I don't care, no. Ooh, yeah, yeah, yeah. Looking like a fool in the club right now.